महू के कैंटोनमेंट बोर्ड ने गार्डन का लोकार्पण किया। कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा गुरुवार को हैदराबादी बस्ती के लोगों को एक सौगात दी गई। यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से खाली पड़ी जमीन पर गार्डन विकसित कर उसका लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही यहाँ पर एक काफ़ी छोटी स्कूल थी जिस पर और चार कमरे बनाने के कार्य भूमि पूजन किया गया। इस दौरान छावनी परिषद के CEO मनीषा जाट, कैंट उपाध्यक्ष अरुण पांडे, पार्षद मुजीब कुरैशी, कैलाश पांडे, पार्षद जितेंद्र शर्मा आदि मौजूद थे। पीथमपुर से संजय सोनकरा की रिपोर्ट। द्वारा ये मंजूरी की दी गई थी, सभी पार्षदों की उसमें सहमति थी। वो गार्डन में जो बनाया गया था वो काफ़ी बड़ी एक ज़मीन थी जिसकी यहाँ आवश्यकता थी, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास शादी वगैरह के लिए, घूमने के लिए और भी दूसरे कामों के लिए कोई जगह यहाँ बची नहीं थी। तो इसलिए आवश्यक था कि उस ज़मीन को सुरक्षित रखा जाए और उसके ऊपर किसी तरह का कोई अतिक्रमण भी नहीं हो, और उस काम को पूरा करके हम किसी भी तरह से यहाँ के लोगों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए हमने पूरा फुटपाथ बनाया है। एक जगह 18,000 स्क्वायर फीट के ब्लॉक लगाए हैं पूरे एक एरिया में, और उसके अंदर ये लोग अपना बैठ के कार्यक्रम कर सकते हैं, शादियाँ कर सकते हैं। दो शादियाँ 26 जनवरी को हमने यहाँ झंडा वंदन किया था बड़े पैमाने पर, वो हम लोग यहाँ करते थे तो जगह कम पड़ती थी, तो उसके लिए भी अभी सारे लोग यहाँ से जुड़ना चाहते हैं। इस बस्ती के लोग राष्ट्रीय मुख्य धारा के अंदर जुड़ना चाहते हैं कि 26 जनवरी 15 अगस्त ये कार्यक्रम होना चाहिए। पहले कम होते थे, छोटी आबादी के अंदर हो जाते थे, अब वो वहाँ पर होंगे तो बड़े पैमाने पर हो जाएंगे। उसमें वहाँ गार्डन की लागत अभी तक जो लगी है वो करीब करीब 43 लाख के आसपास लग चुकी है, और अभी उसमें स्ट्रीट लाइट लगेगी 2-4 दिन के अंदर, कुछ काम उसका रह गया है। स्ट्रीट लाइट लगेगी, पानी का इंतजाम वहाँ बोरिंग करा दिया है, उसमें मोटर भी डाल दी है, उसका भी कनेक्शन होना है चूँकि वो थोड़ा दूर है, तो वो भी चालू हो जाएगा तो पानी का भी वहाँ इंतजाम हो जाएगा। ये एक सपना था इस स्कूल का हमारा, तो ये बहुत आवश्यक था कि यहाँ के बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं वो बाहर जाते थे, अभी वो छोटे बच्चे सब यहीं पढ़ रहे हैं और इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, तो उनको बड़ी खुशी है। अब वो 1-2 साल हो चुका है तो उनके लिए अब आगे की जो क्लास है वो नहीं थी, तो फिर दूसरे स्कूल में जाना पड़ता, इसलिए मैंने बोर्ड में ये प्रस्ताव रखा था। सभी पार्षदों ने उस पर सहमति दी, छावनी अधिशासी अधिकारी ने अभी इस काम को प्रारंभ करने की अनुमति दे दी है, तो ये काम शुरू हो जाएगा। 4 कमरे ऊपर बन जाएंगे तो ये बच्चे लोग और जो है जो बढ़ रहे हैं तो उनको अपर क्लास यहाँ मिल जाएगी। नहीं, ये पहले उर्दू स्कूल था पुराने ज़माने में, तो उर्दू स्कूल होने के बाद उर्दू का सिस्टम यहाँ से सब ख़त्म हो गया, उसके बाद ये खंडर पड़ा था, तो हमने फिर इसको प्रयास किया तो ये स्कूल बन गया, और यहाँ पर जो टीचरें पढ़ा रही हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, और बच्चे भी बहुत खुशी से आ रहे हैं। सारे यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो भी रोज़ लेकर आते हैं, लेकर छोड़ कर जाते हैं। संस्था ने इसे गोद ले रखा है स्कूल को? नहीं नहीं, कैंट बोर्ड का, छावनी बोर्ड का, छावनी परिषद चला रहा है इंग्लिश मीडियम स्कूल। इसको मुजीब कुरैशी, वार्ड नंबर 5।